हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष टीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में जो 44th ड्रीम 11 आईपीएल का मैच खेला जाने वाला है उसके बारे में। दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, मैं कल भी बोला था वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ टीम बनाने के वक्त कुछ ऐसे प्लेयर्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे टीम बनाने के वक्त। मैंने कल बोला था नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक और आई थिंक सो नोकिया, इन तीनों के ऊपर ध्यान देना है। सो नीतीश राणा ने 81 बनाए, अनफॉर्चुनेटली दिनेश कार्तिक फ्लॉप हो गए, मगर नोकिया ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, 3 विकेट उन्होंने भी लिए थे। तो मैंने नीतीश राणा को अपना वाइस कैप्टन बनाया था और मेरे कप्तान थे आई थिंक सो श्रेयस अय्यर। सो मैंने वन साइड पूरी ग्रैंड लीग, माफ कीजिएगा, स्मॉल लीग क्लीन स्वीप की और मैं लगभग 1K के आसपास कल जीता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर भी मैंने कुछ प्लेयर्स के स्टैट्स देख कर उनको चूज़ किया है, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर देख रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, इजी वे है जुड़ने का, वहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करके जुड़ जाना है। 61 मेंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप इन्हीं 61 मेंबर के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टीम पा सकते हो। मैं लाइव फैंटेसी की टीम देता हूँ, मैं सेकंड इनिंग की टीम देता हूँ इसी चैनल पर, मैं स्मॉल लीग मिनी ग्रैंड लीग की टीम भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो जुड़ना ना भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। तो बात करते हैं आज के मैच की। तो आज का मैच जो है वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जो कि अच्छा खासा बड़ा मैदान बोल सकते हैं पूरे मैदानों में। और यहाँ पर स्पिनर्स को भी हल्की फुल्की हेल्प होती है और पेसर्स तो विकेट्स निकालते ही है क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस है विकेट पर। आज का जो मैच है शायद से फ्रेश विकेट पर खेला जाएगा। अगर आप फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर देखेंगे तो 150 से लेकर 160 के बीच में है और सेकेंड इनिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में। तो आप फर्स्ट इनिंग में जो पहले वाले बल्लेबाजी करेंगे उनके बल्लेबाजों को फेवर कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे रिसेंट फॉर्म की दोनों ही टीमों की, तो आरसीबी का अच्छा फॉर्म चल रहा है, इस साल धाकड़ फॉर्म चल रहा है, पिछले 5 मैचेस में 4 जीती और 1 ही हारी हुई है। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग बहुत ही खराब प्रदर्शन, पिछले साल की रनर अप टीम, मगर उतना कुछ प्रभावित नहीं किया इस साल, 4 मैचेस हार कर आ रही है पिछले 5 मैचेस पे अपने वाले। तो अब अच्छी खासी एक ड्रीम इलेवन की टीम बनाते हैं, वहीं पर आपको मैं पिच रिपोर्ट भी बताऊंगा। दोस्तों अगर पिच रिपोर्ट की बात करूं मैं, तो पेसर्स को हेल्प करने वाली है और स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में हेल्प कर सकती है पिच। और जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं उनका आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि बड़ा मैदान है, तो अगर बल्लेबाज से थोड़ी भी मिस हिट हो जाती है तो विकेट्स ले सकते हैं। अब विकेट कीपर सेक्शन की बात करें, आपको पहले ही बात बता दूं मैं, इस मैच में आपको क्रेडिट इशू बहुत होने वाला है, तो माई फाइव इलेवन को आप फेवर कर सकते हो आज के मैच में, वहाँ पर बिल्कुल भी क्रेडिट इशू नहीं है। मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ माई फाइव इलेवन का, मगर मैं आपका लॉस नहीं करवाना चाहता, इसलिए माई फाइव इलेवन आप खेल सकते हो। रही बात विकेट कीपर सेक्शन की, तो अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स एक बढ़िया पिक है, इनको छोड़ना नहीं है। आप चाहो तो एमएस धोनी के साथ में जा सकते हो, मगर स्मॉल लीग में थोड़े रिस्की चॉइस है क्योंकि नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स की विकेट्स जल्दी गिर रही है, इसलिए आप इनको ले सकते हो, मैं फिलहाल ड्रॉप कर रहा हूँ। जगदीशन को सभी ड्रॉप करेंगे, 14% सिलेक्शन है, मगर इस खिलाड़ी में टैलेंट बहुत है और हो सकता है आज के मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, तो मैं इनको फिलहाल अपनी टीम में ले रहा हूँ और मुझे लगता है कि आज के मैच में चल सकती है। तो जगदीशन आज के मेरे फर्स्ट की प्लेयर हो सकते हैं जिनको मैंने अपना पहला वोट दिया हुआ है। तो ऐसे और 2 खिलाड़ी बचे हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं, तो जगदीशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है आपने। बल्लेबाज सेक्शन में विराट कोहली, फैब डुप्लेसिस दोनों ही अपनी टीम से एक बोल सकते स्तंभ की तरह है और दोनों ही अपनी टीम के बैकबोन बोल सकते हैं और दोनों को ही छोड़ना नहीं है। अंबाजी रेडू को आज के मैच में छोड़ रहा हूँ ड्यू टू क्रेडिट इशू, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्रेडिट का, मुझे अगर क्रेडिट मैनेज कर पाऊंगा आखिर में, कुछ प्लेयर बाहर होते हैं और कुछ प्लेयर नए अंदर आते हैं, तो मैं हो सकता है अंबाजी रेडू को अपनी टीम में रखूँ, बाकी कोई रीज़न नहीं इनको छोड़ने का। देवदत्त पड्डीकल को आप ले सकते हो, एक पिछले मैच में भी अच्छी 25 रन की पारी खेली थी इन्होंने, मगर मैं फिलहाल एरन फिंच के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा बाउंस मिलने वाला है विकेट में, तो एरन फिंच अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को आप ले सकते हो, ओपनर उतर रहे हैं मगर मुझे इनका कुछ खासा उतना परफॉर्मेंस लगा नहीं, खिलाड़ी में टैलेंट है। गुरकीरत सिंह मान को भी आप ले सकते हो, ऐसा लगता है आपको कि बैंगलोर की ज़्यादा विकेट्स जल्दी गिरेंगी, तो आप गुरकीरत मान को अपनी टीम में रख सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में सैम करन ओपनिंग कर, माफ कीजिएगा, पिछले मैच में 50 लगाई थी नीचे आकर भी, और वो 4 ओवर भी डाल रहे हैं, क्रिस मॉरिस भी अपने पूरे 4 ओवर डाल रहे हैं, फिनिशिंग भी कर रहे हैं आरसीबी के लिए। आप रविंद्र जडेजा को ले सकते हो, मगर मैं फिलहाल ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं वॉशिंगटन सुंदर के साथ में जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं इस साल और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप वॉशिंगटन सुंदर को छोड़ भी सकते हो और कोई और बल्लेबाज गेंदबाज ले सकते हो, मगर मैं फिलहाल ले रहा हूँ, आप चाहो तो छोड़ सकते हो इनको। गेंदबाजी सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद सिराज को छोड़ना नहीं है, पिछले मैच में जिस प्रकार गेंदबाजी की आप सभी को पता है, और यहाँ से आप वॉशिंगटन सुंदर छोड़ के आप यूजी चहल को ले सकते हो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ फिलहाल अभी,
इस प्रकार का हमारा कॉम्बो बनता है फिलहाल। अभी आपको अगर आप देखें तो शार्दुल ठाकुर एक बढ़िया पिक बन सकता है आपके लिए, आप इनको ले सकते हो, या फिर आप दीपक चहर को। तो मैं दीपक चहर के साथ जा रहा हूँ यहाँ पर, दीपक चहर को मैं सिलेक्ट कर लिया, और जोस हेजलवुड, क्योंकि लगातार डेथ में भी गेंदबाजी कर रहे हो और शुरुआत में भी गेंदबाजी कर रहे हो। तो इस प्रकार का हमारा मेरा कॉम्बो बनता है। अब कुछ भी चेंजेस होते हैं इसके अंदर तो मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, जुड़ना ना भूलिएगा। अब अगर हम देखेंगे तो इसमें आप एक्स्ट्रा बल्लेबाज ले सकते हो, गायकवाड़ को किसी एक को छोड़ के, दीपक चहर या फिर हेजलवुड को छोड़ के, आप हेजलवुड को छोड़ सकते हो। तो कप्तान वाइस कप्तान का विकल्प आपको बता दूं मैं, कप्तान मेरे रहेंगे आज के मैच के। अगर चेन्नई बल्लेबाजी करती है तो फैफ डुप्लेसी, अगर बैंगलोर पहले बल्लेबाजी करती है तो विराट कोहली या फिर एबी डिविलियर्स। और वाइस कप्तान की बात करूँ तो मैं, मेरे सैम करन रहेंगे। अगर पहले बल्लेबाजी अगर बैंगलोर करेंगे तो सैम करन रहेंगे, और पहली बल्लेबाजी अगर चेन्नई करेंगे तो क्रिस मॉरिस रहेंगे। तो इस प्रकार की मेरी टीम बनती है। अब जो दो की प्लेयर्स आपको आपको ध्यान देने हैं, वो दो की प्लेयर्स हैं, एक नवदीप सैनी, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा पेस एक्स्ट्रा बाउंस मिलने वाला है आज की विकेट पर, और एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी जो यहाँ से आपको दिखने वाला है वो है विराट कोहली। तो इनके ऊपर आपको ध्यान देने हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है। अब इस प्रकार की हमारी टीम बनती है। माय फेवरेट इलेवन की टीम आपको इस वीडियो में दिखा नहीं पाऊंगा, मगर डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल क्रेडिट इशू नहीं है वहाँ पर। तो मैंने अपने तीन खिलाड़ी बता दिए आपको आज के, विराट कोहली, नवदीप सैनी और जगदीशन। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ठोकना ना भूलिएगा।